यहाँ पे देखिए कितना प्रसाद, ढेर सारा प्रसाद जो है ना यहाँ पे जो है, ये देखिए कितना प्रसाद लेके आए हैं हम लोग। और इधर देखिए मांगने के लिए जा ही रहे हैं, और भी मांगेगा, इतना प्रसाद हो गया, अब नहीं मत मांगे। ठेकुआ तो मिल गया है, ये देखिए, ये देखिए गाइस, लिफाफा भर के दो लिफाफा प्रसाद मांगे हैं अब, आज दो लिफाफा प्रसाद मांगेंगे। गाइस यहाँ पे जो है ना आदमी बहुत खाली हो चुका है, और यहाँ से बहुत आदमी जा चुका है, और यहाँ से जो है ना हम आप लोग को दिखाएंगे। देखिए इधर जो है ना अभी भी पब्लिक है, और ये देखिए इधर जो जो घाट के तरफ से जो था ना, घाट के तरफ से बहुत पब्लिक जा चुका है, और इधर भी जो है पब्लिक बहुत उठ चुका है, और कोई कोई जो है ना अभी भी पूजा कर ही रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे अभी भी पूजा हो ही रहा है। तो इधर आदमी देखे जा रहे हैं, और हो गया पब्लिक जो है खत्म हो गया, अब जो है पब्लिक का जो है टाइम हो चुका है, तो यहाँ से पब्लिक करके जा रहे हैं। ये छठ पूजा जो आप लोग का हम बताए हैं ब्लॉग में, तो यहाँ से देखिए हम आप लोग को जाने के जो है व्यू दिखा रहे हैं। तो देखिए गाइस माताएं जो है अब जा रहे हैं, हो गया। कैसे पबनी लगा? ये पबनी करने से क्या क्या होता है? देखिए गाइस, तो आप लोग को हम बताए हैं जो माता रानी के इतना कृपा रहता है, छठ मैया का जो मनोकामना पूरा करता है उस सबको पूरा होता है जो मांग लेता है। तो छठ जो है सबको मनाना चाहिए कि नहीं? अब हम लोग जा रहे हैं घर, छठ पूजा हो गया है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो आप लोग जो है ठेकुआ खाने के लिए जरूर आइएगा। जो है अब छठ पूजन हो गया है, सब घर जा रहे हैं, और हम भी अब जो है घर जाएंगे। ब्लॉग पूरा शूट कर लिया है यहाँ का, और अभी भी आदमी जो है बहुत ही खराबी आ ही रहे हैं, आधा से भी थोड़ा कम बन गया। बहुत ढेर सारा आदमी यहाँ छठ पूजा पे आता है, तो अभी भी जो है ना आदमी बहुत ढेर सारा आई है, तो सब जो है यहाँ से तकरीबन जो है खाली होते जा रहे हैं। तो हम लोग भी अब जो है ना घर जा रहे हैं, और हमारा ब्लॉग का जो है ना लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया झा है, हम बिहार से बट पंजाब में रहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया झा है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट मैं बचपन से ही पंजाब में ही रहती हूँ, मैंने यहीं पे एजुकेशन वगैरह किया है, बट जो हमारे बिहार का कल्चर है वो हम कहीं भी जाके नहीं भूलते हैं। तो ये हमारा फेस्टिवल है छठ महापर्व का, जो बिहार में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी, पर ये हर जगह अब प्रचलित हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इसका सबको पता चल गया कि छठ पर्व क्या होता है, बट बहुत मान की बात है हमारे लिए और खुशी की बात है कि इस त्यौहार को अब राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है, ये राष्ट्रीय फेस्टिवल बन चुका है। जैसे और बाकी सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, दिवाली वगैरह, वैसे ही अब छठ पूजा मनाया जाएगा, तो इसकी हम लोगों को छुट्टी मिलेगी, और हम बिहारियों के लिए बहुत मान की बात है, गर्व की बात है। छठ पर्व की महत्व ये है कि अपने बच्चों के लिए किसी भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है, ये कार्तिक मास को किया जाता है, षष्ठी दिन का, ये 4 दिन का पर्व होता है। पहले दिन तो इसको स्टार्टिंग करते हैं नहाए खाए से, जिसमें बिना लहसुन प्याज का शुद्ध भोजन करना होता है,
और जो दूसरा दिन होता है वो खरना कहलाता है। खरना का मतलब होता है शाम को प्रसाद बनता है, गुड़ वाली खीर, केला, रोटी, घी लगी हुई, जिसको ऐसे चढ़ाया जाता है। छठी मैया के नाम से हम शाम को देते हैं 6 से 7 के बीच में। जैसे ही अंधेरा शाम संध्या होता है वैसे ही हम वो प्रसाद चढ़ा देते हैं। उसके रात को हम प्रसाद बनाते हैं, जैसे घर की बनी प्रसाद ही हम सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। उसमें मट्टी, गुजिया, ये सब प्रसाद हम घर पे ही बनाते हैं और हर तरह के फ्रूट्स रखते हैं, जैसे गन्ना हो गया और जो भी मौसमी फल है, मूली है, और भी जैसे सेब, संतरा, 5 से 11 तरह के फ्रूट इकट्ठे कर सकते हो। और अगले दिन हम सूर्य अस्त होता है ना, उसको अर्घ देते हैं संध्या टाइम में, जिसको शाम का टाइम कहते हैं। तो अर्घ देते हैं, अगले दिन हम मॉर्निंग में उदय, जब सूर्य उदय होता है ना, उनको अर्घ देके ही व्रत खोलते हैं। इस तरह ये 4 दिन का व्रत होता है, 4 दिन स्टार्ट रहता है और 3 दिन निर्जला रहते हैं व्रत किए हुए। तो जो आज और नेक्स्ट जो हम सूर्य उदय को अर्घ देते हैं, उसके बाद जो भी बर्ती होती है अपना फास्ट खोल के खाना खा सकते हैं। इससे हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। अब सच्चे मन से अगर ये व्रत करते हो, मन में कोई भी इच्छा लेके, तो जरूर पूरा होगा। धन्यवाद आप सभी का। जो बैग रखे हैं हम अपना, वो रह गया यहाँ पे, एक शॉट लेना था तो हम ले चुके हैं और हम जा रहे हैं। अब बैग लेंगे अब चले जाएंगे। तो हमारा जेब में जो है ठेकुआ भरा हुआ है और ठेकुआ से जो है ना पूरा जैकेट का जेब जो है ना भारी लग रहा है। तो हम जो है ये देखिए हम जा रहे हैं कि तो घाट की तरफ जा रहे हैं, ये जो है ना हम घाट की तरफ जा रहे हैं। देखिए आप लोग को दिखाई यहाँ का नज़ारा जो है ना बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे हम लोग वीडियो भी शूट करने आए हैं, कई बार जो है वीडियो शूट करने भी आए हैं। और इधर देखिए सब पूजा हो गया और ये भाई साहब जा रहे हैं, अब जो है ना पूजा हो गया, अब घर जा रहे हैं। प्रसाद उत्साह ले लिए, खेतों वगैरह ले लिए, तो जाते हैं। हमारा भाई जो है ना पूरा बड़ा बड़ा हुआ है। देखिएगा ये जो है प्रसाद मांगने गए हैं और ये प्रसाद देंगे, ये प्रसाद इसको मिल गया है। और कितने ठकुआ मांगे हैं, इसको भी जो हम शूट करते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ जा रहे हैं मांगने के लिए, इसको हम जो है ना ठकुआ मांगते हुए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ये ठकुआ मांगा है, प्रसाद के लिए ठकुआ मिला है। ये जो है ना ठेकुआ जो है ना मांगते रह रहा है, सबसे ठेकुआ मांगने जा रहा है। इसका लिफाफा देखिए, इसका लिफाफा बन चुका है। ये देखिए लिफाफा इसका जो है ना भर चुका है, पूरा लिफाफा में जो है ना ये भर लिया है ठेकुआ वगैरह। घाट पे देखिए यहाँ पे जो है ना छठ पूजा हो गया। अब ये नहाने वाले तलाव बना दिए, अभी पानी बाद में खोल देगा। अभी फिलहाल में जो है ना यहाँ पे नहा सकते हैं। ये देखिए नहा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आप ही को बना रहे हैं। ये देख चल जाइए, ये शॉट इन लोगों को भी ले लेते हैं, आपको मिल जाएगा भी। ये देखिए ये लोग जो है ना, ये देखिए कितना मौज कर रहा है। ये देखिए ये लोग जो है ना पूरा मौज कर रहे हैं पानी में। ये देखिए और यहाँ से जो है ना पूरा यहाँ से वहां तक पूरा जो है ना पानी यहाँ पे जो है ना 1, 2, 3, 4 जो है ना 4 जो है यहाँ पे जो है बनाए गए हैं तलाव।
और चार भाग में जो है ना इसको जो है बनाया गया है और इसी में जो है पानी भरते इसी में छत हुआ है और जो है यहाँ पे छत हुआ है। अब यहाँ पे जो है ना खाली हो चुका है, फिलहाल जो है बच्चे वगैरह जो है ना इसमें मौज कर रहे हैं। करने दीजिए, अपना चलते हैं। अब तो गाइस यहाँ पे हम लास्ट प्रसाद मांगेंगे, यहाँ पे हम प्रसाद मांगने के लिए आ गए हैं। देखते हैं दादाजी प्रसाद, ये देखिए दादाजी केला दिया है, आज दिल खोल के प्रसाद मिल रहा है। गाइस आप लोग का अगर खाना है प्रसाद तो जरूर आइएगा यहाँ DCW छठ देखने के लिए, और सुबह में अर्घ देने के बाद जो है ना आपको प्रसाद के रूप में ढेर सारा मिलेगा। ये देखिए मेरा जेब भर गया है, ये देखिए प्रसाद हम मांग लिए है। अब जो है जेब हमारा भर चुका है, दोनों जेब भर चुका है और जनाब भी ढेर सारा हमारा जोश हो चुका है। तो अब हम लोग जो है घर चलते हैं। तो घर जाने से पहले जो है आप लोग को कुछ दिखाने चाहते हैं। ये देखिए गाइस, ये जो है ना अभी भी प्रसाद मांग ही रहा है, अभी भी प्रसाद मांग ही रहा है, अब प्रसाद मांग के आया है। ये देखिए कितना ढेर सारा प्रसाद ये मांगा है और जो लिफाफा जो है ना अभी भरा हुआ है, हम दिखाएंगे कितना प्रसाद हम लोग का मिला है आज। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है ये प्रसाद मांगने आया था और यहाँ पे जो है ना प्रसाद दे रहे हैं और यहाँ से प्रसाद मिला है। देखभाल किया गया है और यहाँ पे जो है ना चाय भी मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे चाय भी मिल रहा है, तो हम लोग चाय पीने के लिए आए हैं। तो देखिए गाइस हम लोग का चाय मिल गया है, चलिए फटाफट चाय पीते हैं पहले। तो आप लोग आइए चाय पीने के लिए। तो गाइस चाय बहुत स्वाद बना है और चाय जो है ना हम पी रहे हैं, साथ में डांस करेंगे। तो चाय जो है बहुत स्वाद है, हम चाय पी रहे हैं पहले। हम लोग जो है अब छठ पूजा हो गया, हम लोग जा रहे हैं घर। तो चलिए हम लोग सबसे बड़ा पर्व बिहार का, इससे बड़ा पर्व कोई नहीं होता, हम लोग का बिहार का एक पर्व शान है और शान रहेगा, किसी भी कोने में रहेंगे तो हम लोग एक पर्व जरूर मनाएंगे। जय सती मैया की जय। तो चलिए हम लोग गाइस घर चलते हैं। अब हम लोग जो है अब जा रहे हैं और ये देखिए झोला भर भर के हम लोग जो है प्रसाद लिए हैं और हम लोग जो है अब जा रहे हैं घर जा रहे हैं। और यहाँ से जो है थोड़ी दूर है वहाँ पे हमारे बाइक लगा हुआ है, तो हम लोग जो है आज प्रसाद ढेर सारा मिला है ना, बहुत ज़्यादा ही प्रसाद मिला है आज। एक झोला जो है केला है, एक झोला ठेकुआ है, एक झोला जो है सेब है, तीन झोला प्रसाद हम लिए। तो आज जो है आज जो है छत पे जो है ना हम लोग का जो है बहुत प्रसाद मिला है, हम लोग बहुत अच्छा लगा है आज का छत जो इतने ये देखिए ये दाना भाई ये अभी भी खा ही रहा है, ये देख रहे हैं ये दाना अभी भी खा ही रहा है। हम लोग जो है फिलहाल में आ गए हैं रोड पे और थक गए हैं बहुत, क्योंकि बहुत सुबह उठे थे हम लोग और सुबह उठ के जो है यहाँ पे हम लोग आए थे छत पे और हम लोग अभी जो है घर के तरफ निकल चुके हैं। तो हम लोग पैदल नहीं जाएंगे, हम लोग का अपना फोर व्हीलर है, हम दिखाएंगे आप लोग को। देखिए टेम्पू में जो है भर भर के आया था, टेम्पू में भर भर के जा रहा है, क्योंकि अब हम आ गए हैं अपने फोर व्हीलर के पास। ये देखिए हमारा परी यहाँ पे लगा हुआ है और हम लोग जो है यहाँ से अब जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे